चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आते हैं एग्जामेशन सर्विसेज हम पढ़ रहे थे नंबर सिक्सटीन है लीजिंग सर्विसेज एनडी नंबर फोर्टी वन कहती है अ फ्रंट अमाउंट जो प्रीमियम होता है जैसे हम किसी को लीज पर देते हैं तो एक अमाउंट ले लेते हैं जिसे हम प्रीमियम बोलते थे सलामी कॉस्ट प्राइस डेवलपमेंट चार्जेस अलग अलग नाम है Payable in respect of service by way of granting of long term lease 30 years or more of industrial plot or plot for development of infrastructure for financial business provided by state government, industrial development, corporations, or undertaking or any entity having 20% or more ownership of central state union territory.

तो वो गवर्नमेंट का अगर कोई लेना देना इंडस्ट्रियल प्लॉट uh, है या उससे रिलेटेड है तो वो फ्री है इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है बस उसपे जीएसटी नहीं लगेगा लोकेशन चार्जेस प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कलेक्टेड इन एडिशन टू द लीज पी में लॉन्ग टर्म लीज द जीएसटी पार्ट ऑफ सप्लाई लॉन्ग टर्म लीज ऑफ प्लॉट

लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ फ्रंट अमाउंट और वो है। तो ये बात आपको आती है? लीगल 17 एंट्री नंबर 45 कहता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जैसे कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपको सर्विसेज दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता तो ट्रिब्यूनल होता है जो लोकल होते हैं कोर्ट वगैरह एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर किसी पर्सन को सर्विसेज दे रहा बिजनेस एंटिटी नहीं किसी इंडिविजुअल पर्सन को तो वो एग्जम्प्ट बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट एन ओवर ऑफ टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जemption फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अगर मान लिया कोई और बिजनेस को कोर्ट की तरफ से ट्रिब्यूनल की तरफ से सर्विसेज मिल रही है और वो रजिस्ट्रेशन कराने की एग्जम्पन लिमिट से कम सेल कर रहा है मान लिया कहीं किसी ए, सिटी में या स्टेट में ये है कि 40 लाख रुपए तक की सेल पर उसे जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की और उसकी सेल 25 लाख है तो 40 लाख से कम है तो एग्जम्शन है वो तो इसका मतलब उस पर जी नहीं लगेगा या गवर्नमेंट को कोई भी सर्विसेज या गवर्नमेंट एजेंसी को दिए जा रही है तो वो सब भी फ्री है और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन ए सीनियर एडवोकेट बाय ऑफ वे वे लीगल सर्विसेज टू तो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को लीगल सर्विसेज दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा

और यहाँ पर वही है जो तीन पॉइंट हमारे पहले के उसमें थे ठीक है तो लीगल सर्विसेज का मतलब क्या है कि एडवाइस कंसल्टेंसी है लॉ से रिलेटेड है ना कोर्स से रिलेटेड और सीनियर एडवोकेट का क्या मतलब है ए एडवोकेट मे कंसेंट

एमाउंट एलिजिबल फॉर एजन वो चार्जेबल है जीएसटी उस पर लगेगा है ना और यहां पर रिवर्स चार्ज मेकानिजम के हिसाब से लगता है ठीक है प्यारे लाल कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी में क्योंकि उनकी एक्सीडिंग है एजम्स लिमिट क्योंकि आप वॉलंटरी भी ले सकते हैं लेकिन क्योंकि लिमिट एक्सिड करती है इसीलिए उन्होंने लिया है इन द करंट ईयर लीगल सर्विसेज लिए ली हैं न्याय एडवोकेट से पार्टनरशिप फर्म ठीक है द लीगल सर्विसेज जो इन्हें मिली है वो एग्जाम नहीं है क्योंकि इनकी टर्नओवर ज्यादा है ठीक है और वो भी इन्हें रिवर्स चार्ज में रिवर्स चार्ज के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर लाइबल टू जीएसटी बताइए जल्दी से आंसर ए बी सी डी में से क्या है लीगल सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय

कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना ये भी एग्जाम है ये टैक्सेबल हो जाएगा स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट 18 पॉइंट एंट्री नंबर 53 क्या कहती है सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मतलब गवर्नमेंट का कुछ सर्टिफाइड फेडरेशन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड स्कूल गेम्स इस तरीके का है सेंट्रल सिविल सर्विसेज पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स अंडर पंचायती हुआ मतलब अगर कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल किसी भी लेवल पर हो रहा है तो आप मानिए कि वो फ्री है एग्जाम है 19 है स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज 69 तो सर्विसेज कौन दे रहा है गवर्नमेंट के थ्रू बनाए हुए नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट नेशनल स्किल डेवलपमेंट नेशनल स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अप्रूव या तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट खुद दे रहा है या उसके थ्रू कोई अप्रूव दे रहा है ठीक है तो वो सब इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट अदर स्कीम तो आपको याद रखना नेशनल स्किल डेवलपमेंट हो दे या उसके थ्रू देव्ड हो, हो तो वो सब फ्री है ये एंट्री है स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज की इसके अलावा सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पेलमेंट सेंट्रली बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अब देखो एक एक चीज कैसे याद रखोगे तो आप ये मानिए इस तरीके की सर्विसेज़ जो है स्किल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हैं वो फ्री है है परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट तो सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट वो परफॉर्मेंट इन फोक और क्लासिकल आर्ट फोक और क्लासिकल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए म्यूजिक डांस थिएटर इफ देशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन वन फिफ्टी थाउजेंड मतलब इन फोरकोर क्लासिकल आर्ट ऑफ फॉर्म म्यूजिक डांस एक्समड if up to 150 however if consideration is exceed entire consideration is subject to gst 160 hai 1 lakh 60000 to pure 160 pe gst lagega further all other activity by artist in other art form western music dance or sab kuch hai wo taxable hai theek hai however the exemption shall not apply to service provided by such artist as a brand ambassador ब्रांड एम्बेसडर मीन ए पर्सन एंगेज फॉर प्रोमोशन मार्केटिंग प्रोपर्टी और क्लेम और इवेंट और एंडोर्समेंट ने ट्रेड नेम अगर एड कर रहा है brand ambassador की तरीके से, तो फिर वो टैक्स डिटरमाइन द जी एस टी पेबल इफ एनी इन एज ऑफ दूम जीएसटी रेट इज एटीन परसेंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर बॉलीवुड डांस परफॉर्म बाय फिल्म एक्टर

टेक्सेबल टैक्सीबल कथक डांस परफॉर्मेंस क्लासिक इन कल्चरल प्रोग्राम एक एग्जाम ठीक है तो एक लाख उनका एक पचपन का अठारह परसेंट टैक्सीबल हो जाएगा ठीक है ना राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। तो एंट्री नंबर सेवेंटी नाइन म्यूजियम है नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टाइगर रिजर्व है जू है वो एग्जेप्ट सेवेंटी नाइन है सर्विस बाइव एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स एंशियन मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स के थ्रू है तो वो भी एग्जेप है एडमिशन ऑफ सर्कस डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा अवॉर्ड फंक्शन कंसर्न म्यूजिक परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स इवेंट प्लानिटेरियम ठीक है जहां पर पांच सौ रुपए तक की टिकट है वो सब फ्री है ठीक है रिकॉगनाइज स्पोर्टिंग इवेंट का मतलब वही रिकॉर्गनाइज हो गवर्नमेंट वगैरह के थ्रू हो वो सारी बात है तो इधर ज्यादा घुसने की बजाय बस ये है कि ये पांच सौ रुपए तक का आपको याद रखना है पांच सौ रुपए तक की टिकट है तो फ्री है अगर वो ये है सर्कस ये वो सब अवार्ड फंक्शन वगैरह इनमें पांच सौ की कोई लिमिट नहीं है नो लिमिट और फाइव हंड्रेड म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स इसमें लिमिट नहीं है यहाँ पर लिमिट जो पाँच की है वो ए है वो भी एंट्री नंबर 81 वन में ठीक है 81 की ए सर्विसेज बाय एन अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी सेवेंटी सेवन सर्विसेज बाय अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू इट्स ओन मेंबर बाय वे ऑफ रिमबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर

पर मेंबर के हिसाब से है अमाउंट तो एग्जम्प्ट हो जाएगा अभी इसे डिटेल एनालिसिस में देख लेते हैं और इसके अलावा सर्विसेज हैं एक्टिविटी वेलफेयर इंडस्ट्रियल लेबर फार्मर्स है प्रमोशन ऑफ ट्रेड वगैरह है और यहां पर मेंबरशिप की अमाउंट 1000 पर मेंबर पर ईयर है हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं कोऑपरेटिव लॉ में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होता है बॉडी ऑफ पर्सन होता है जो वहीं पर रह रहे होते हैं है ना और वो सर्विसेज देते हैं मेंबर को जो वहां पर रह रहे होते हैं जैसे मेंटेनेंस वगैरह सिक्योरिटी सर्विसेज होती है इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज होती हैं तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वहां पर मेंबर्स होते हैं और वो अपने

जो एप्लीकेबल लिमिट है है ना? क्या मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड त्रिपुरा तो अगर इतनी लिमिट है इनकी टर्न है तो कोई बात नहीं एग्जाम लिखा है इट नीड्स टू रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी However, taking registration does not mean the housing society has to compulsory charge GST, in monthly maintenance bill, raised to its member. If the service provided by it are exempt under an exemption notification, तो उसे GST नहीं देना। तो for the instance, supply जो कर रही है RWA अपने member को, और उनसे 7500 रुपए पर मंथ तक ले रही है, तो वह exempt है। जैसे housing society में आपका flat है किसी में,

एग्जेंट तो आरडोब्ल्यू चुलबुल हाउसिंग सोसाइटी कलेक्ट करें छ हजार पर वन तो क्या इफ द अब एग्जाम्पल आरडब्ल्यू चुलबुल सोसाइटी नौ हजार रुपए पर मेंबर ले रही है तो इनके ऊपर नौ हजार पर अठारह परसेंट लगेगा ना कि पंद्रह सौ पूरे नौ हजार लगेगा

तो उन्होंने तो कोई दिक्कत ही नहीं है 20 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना साढ़े सात हजार से कम है तो वैसे ही फ्री है सब कुछ मान लिया ये आठ हजार रुपए पर मंथ लेते तो भी ये 20 लाख से कम दे रहे हैं, तो भी ने कोई टैक्स नहीं देना तो हाउसिंग सोसाइटी 20 लाख से ज्यादा दे रही हो टर्नओवर हो और पिछहत्तर से ज्यादा है तो ही टैक्सेबल है कोई भी एक नो हो गया तो टैक्सेबल नहीं है या तो बीस लाख ,00 से कम है रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है या पिछहत्तर सौ से कम है तो भी टैक्सेबल नहीं है ठीक है तो पिछहत्तर से ज्यादा और बीस लाख ,00 से ज्यादा तभी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी मींस टैक्सेबल हो जाएगा 7500 से कम है तो एग्जम्शन मिलेगी सही है बीस लाख ,00 से कम है तो एग्जम्शन हमेशा मिलेगी तो ये बात आपको ध्यान रखनी है गरीब चंद ओन्स टू रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एंड पेज फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस टू आर दिस टू आर आरडब्ल्यू तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ ठीक है एग्जेम हो जाएगा क्योंकि एक मेंबर मतलब एक घर से पंद्रह पचहत्तर सौ जाए ठीक है हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी नौ हजार रुपए हजार लोगों से है, है ना इन द मई, तो नो हजार इंटू हजार नब्बे लाख होता है तो एक ही महीने में नब्बे लाख है तो रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने कराया होगा और साढ़े सात हजार से ज्यादा तो जीएसटी भी देना पड़ेगा तो इन्हें अठारह परसेंट के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा कोई भी यूज करा तो आईटीसी मिल जाएगा ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट एग्जाम सर्विस बाय ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम इज एग्जेप्ट एग्जेप्ट और एक कला नहीं चल रहा ये चलेगा इस राइट टू एडमिशन टू सर्कस 500 रुपए तक फ्री है उससे ऊपर टैक्सीबल डेढ़ लाख रुपए तक परफॉर्मेंस फ्री है एग्जाम स्पॉन्सरशिप एग्जाम पंचायत वगैरह सब एग्जाम अदर एग्जाम सर्विसेज एंटी नंबर टू सर्विस बाय वे ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न बिजनेस चलता हुआ बेच दे रनिंग बिजनेस दूसरा इंसान उसे खरीद रहा है में, ठीक है तो सर सेल ऑफ बिजनेस एज ए होल्प्रेनिव सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी गुड्स बहुत सारी चीजें हैं गुडविल वगैरह दुनिया भर की चीजें ठीक है

ये कह रखा है कि अगर कोई मान लिया एक ऐसा इंसान आपसे किराए पे ले रहा है जिसका अपना बिजनेस है लेकिन वो जो किराए पे ले रहा है वो अपने यूज के लिए ले रहा है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा ना अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है ठीक है ना तो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो फ्री है ही और यूज ए रेजिडेंस तो अगर कमर्शियल यूज हो रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स होगा रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है तो इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्च है तो वो टैक्स से नहीं लगेगा सर्विसेज बाय गिविंग ऑन हायर अगर आप मोटर व्हीकल स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं जहां पर 12 पैसेंजर से ज्यादा लोग आते हैं जैसे बस वगैरह देते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है ठीक है निशान तो उनसे ट्रक अब ट्रक में बारह से ज्यादा लोग वाला नहीं है तो ये एग्जाम नहीं है ठीक है ना मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ टू ए पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस फैकल्टी इन स्टाफ टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी पढ़ चुके इलेक्ट्रिक तो व्हीकल भी है तो भी वो बारह परसेंजर से ज्यादा की फ्री है टू तो ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो निशान तो उनसे ट्रक

ठीक है और वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू हायर एजुकेशन या प्री स्कूल वो फ्री है सर्विस बाय ऑफ एक्सेस टू ए रोड और ए ब्रिज हम टोल चार्जेस देते हैं तो उस पर भी वो फ्री है उस पर भी नहीं लगेगा जीएसटी जो टोल चार्जेस होते हैं उस पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाउ एवर इन दिस रिकॉर्ड ये क्लैरिफाई किया गया है कि हमें जीएसटी देना पड़ेगा कनेक्शन का जो चार्जेस होता है रेंटल चार्जेस अगेन मीटरिंग इक्विपमेंट टेस्टिंग फीस लेबर चार्जेस डुप्लीकेट बिल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अदर चार्जेस पे जीएसटी लगेगा ठीक है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटिव मींस एन इंटरप्रेन एंटरप्र है और एंटरप्र uh, है और वो लोकेटेड है विद इन द प्रमाइस ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर टीबीआई या साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह रिकोगनाइज नेशनल साइंस वगैरह से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड बात बता रखी है अगर वो पचास मतलब इतनी चीजें आप याद नहीं रख सकते इतनी चीजें बिल्कुल एग्जाम तक याद नहीं रह सकती तो इसके लिए जो मेन मेन बातें हैं वो ही याद रखनी है ऐसे हजारों चीजें आप क्या याद रखेंगे कोई याद नहीं रख पाएगा जो जरूरी है जैसे सर्विस बाय न्यूज बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो एग्जाम है पब्लिक लाइब्रेरी की सर्विसेज़ हैं वो एग्जाम हैं अगर कोई एग्जिबिशन हो रही है प्री कंडीशनल पी कूलिंग सर्विसेज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जहाँ पर उसकी करेक्टिस्टिक कोल्ड चेन फैसिलिटी वगैरह वो सब फ्री है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है अगर सर्विसेज है ग्रांटिंग नेशनल परमिट गुड्स कैरिज़ टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया या अलग अलग स्टेट में वो फ्री है राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर आप कोई सर्विस लेते हैं वो फ्री है सर्विस लेना देना ये दे सर्विस service तो सर्विसेज़ प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एन इंडिविजुअल एज ए प्लेयर रेफरी एम्पायर कोच वो फ्री हैं हाउएवर सर्विस बाय इंडिविजुअल सच एज सिलेक्टर वगैरह या टेक्नीशियंस वो सब टैक्सेबल है तो प्लेयर रेफरी अंपायर कोच टीम मैनेजर ये सब फ्री हैं अगर पब्लिक कन्वीनियंस होती है ना टॉयलेट वगैरह यूननल होते हैं पब्लिकली वो सब भी फ्री है तो ये कुछ चीजें थी जो बता रखी हैं

Uh, तो सर्विसेज प्रोवाइड बाय गेस्ट एंकर इन लियो फोनोरेडियम अट्रैक्ट जीएसटी लाइबिलिटी हाउ एवर गेस्ट एंकर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 20 लाख शैल नॉट बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे जीएसटी ठीक है 20 लाख रुपए तक नहीं होगा तो ये था इस चैप्टर में क्या क्या कैसे है आपको शोर्ट नोट्स इसमें बनाने पड़ेंगे बहुत सारी चीजें दुनिया भर की बता रखी है मेन में, में बातें आपको याद रखनी है उसे नोट रखना करना है तो कुछ एक चैप्टर हैं जीएसटी में जो थोड़े से बोरियत वाले हैं तो उनमें से एक